कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है, जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था, आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हर एक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है। पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी, या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो। जिनका क्षेत्रफल ज्यादा था, इस दौरान हम लोगों ने कुछ नए थानों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाना, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और फायर टेंडर के 59 यानी 59 नए केंद्रों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर इस दौरान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अपराध की प्रकृति बदलने के साथ ही प्रदेश के अंदर उस दिशा में नए प्रयास भी प्रारंभ हुए। खासतौर पर 18 जो हमारे रेंज हैं, इन सभी 18 रेंज में नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और जो एक प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की रही है, उसका परिणाम रहा है कि 16-17 की तुलना में अगर हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से उसकी तुलना करें या सुरक्षा के मामले में देखें तो डकैती में 65.72%, लूट में 66.15%, हत्या में 19.80%, बलवा में 40.20%, बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश ने इस दौरान तमाम अन्य कार्यक्रम महिला सुरक्षा के बारे में, जो मैंने पहले महिला हेल्प डेस्क की बात की, इसके अलावा 18 जो हमारे पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां पर महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना, 18 परिक्षेत्र जनपदों में थाने के समकक्ष एक एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्रों की स्थापना भी इस दौरान यहां पर संपन्न की गई। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना प्रदेश के अंदर इस दौरान स्थापित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित यानी दशकों से लंबित जो कृषि की सिंचाई की परियोजनाएं थी, बाणसागर की परियोजना 4.5